विभूति नारायण मिश्रा। सुल्लू, come on, great to see you, man. तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया? अरे यार, क्यों नहीं पहचानूंगा, ओल्ड कानपुर में तो हमारी पड़ोसन हुआ करती थी। तो ये आदमी है जिसके चक्कर में पड़कर मेरी बीवी मुझे इग्नोर कर रही है। अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए राव। महानगर पालिका वालों ने सेठ जी का खोखा लूट लिया। मेरी बीवी से दूर रहना। मैं आपकी बीवी से दूर रहूंगा, बहुत दूर रहूंगा सर। आप जरा हंसते बाहर जाइए और बाहर कोई मिले तो उससे कहिएगा कि विभूति मेरा दोस्त है। तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार ना। क्या है वो जो मंत्री जी है, वो तो आपके नौकर है ना। हाँ। तो हमारा कुछ जुगाड़ लड़ाइए ना, हमारी दुकान को तबाह होने से बचा लीजिए। मेरे किचन में जो गंदे बर्तन है वो धो दीजिए। मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तुझको और मुझको है ना काम की सख्त जरूरत है रही है, तो विभूति भैया के जो मंत्री दोस्त है ना, हमको कहीं भी काम के लिए फिट करवा सकते हैं। देख भाई, मतलब के टाइम पर है ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या बोला ना, किस गधे को अपना बाप बना रहे हो बे? तुमको क्या बका तूने? नहीं ना भैया, मेरा मतलब यह है कि आप मतलब बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो, मतलब आपको देख कर हमको बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। भैया ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भगवान जी आ गए, सुदामा के श्री कृष्ण जी। चमचागिरी बंद करो, मुद्दे पे आओ, बात क्या है? बस भैया, आप अपने मंत्री दोस्त से ये बात कह दो कि हम दोनों को है ना नौकरी वोकरी में कहीं पे चपरासी वपरासी की लगा दे, अगर से मतलब फिट विट कर दे भैया, बस हमारा तो जन्म से दे जाए। तो चमचागिरी सब इसलिए हो रही थी है? ना भैया जी। हाँ। चमचागिरी ना थी, जो तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे आपकी इज्जत हम दिल से करते। यार क्या है, आज बॉडी बहुत दर्द कर रही है, जरा कुछ हाथ वाथ लगाओ। हाँ भैया, मलखान। हाँ हाँ, अभी लो भैया। बेटा बना रहा है कौन? हाँ भैया, लो भैया। अरे दादा, अरे भैया सेवा चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भैया विभूति, तुम ही आ रहे थे बैठी हो महाराज, और हम तुम्हें कहां कहां ढूंढ के आ गए। अरे भाई क्यों ढूंढ रहे हो मुझे यहाँ वहाँ? अरे यार तुम्हें तुम्हें बधाई देने को हम दिल तड़प रहे है। बधाई क्यों, मेरा मुन्ना हुआ है क्या? अरे यार तुम इतने बड़े मंत्री के मतलब इतनी बड़ी हस्ती के दोस्त हो यार। हाँ हूँ तो। हम जो कह रहे यार कि हमारी एक ठैया रिक्वेस्ट हैगी तुमसे। हाँ बोलो बोलो। रिक्वेस्ट जाए यार कि देखो ससुर, एक आदमी ने हमारे ऊपर ना नेछावर खाने को टेस्ट ठोंक दो है। तो हम चाह रहे हैं कि तुम मंत्री हमारा मतलब है आप मंत्री से कह के तनक हमारा केस रफा दफा करवा दो ससुर, हमें चैन आ जाएगा यार, हम मुसीबत में फंस गए हैं। एक मिनट, क्या नाम तुम्हारा यार, अपना क्या नाम था यार? ये था नहीं भैया, है दरोगा हप्पू सिंह। हाँ हप्पू सिंह, यस। नाम भूल रहे यार तुम। एक्चुअली क्या है, देखो हप्पू सिंह की जो केस है ना, निछावर खाने का केस है। तो इस तरह लोहा लोहे को काटता वैसे ही क्या है कि निछावर खाने का जो केस है ना, निछावर देके खत्म हो सकता है। का मतलब यार, हम समझे नहीं। बड़ा सिंपल मतलब है, 5,000 रुपए निकालो तुम्हारा केस। अबे चुटकी बजाने दे, चुटकियों में रफा दफा कर दूंगा, चुटकियों में। आप कर ले। समझ गए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। गिल्लू भैया चल भाई। थैंक यू। करता हूँ, थोड़ा करता हूँ। हाँ आई डू समथिंग। बताओ तो सर, हम दुनिया से निछावर खाते फिरते हैं, जो आदमी हमसे निछावर खा गो वो भी 5,000 रुपया। दरोगा जी, 100 रुपया है क्या? तनु दरोगा किन्ने बनाया भूतनी के, तनु दरोगा किन्ने बनाया भूतनी के, अरे भूतनी के भूतनी के। तिलका ज्यादा बना लियो। हाय सुल्लू, हाय। हाय, आओ गोलगप्पे खाओ। नहीं नहीं, मैं गोलगप्पे नहीं खाता,
एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। प्रपोज करने आए हो? बिना प्रपोज किए उसके हस्बैंड ने बैंड बजा रखी है, अगर कहीं प्रपोज कर दिया तो पता नहीं क्या हाल करेगा। क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे एक पड़ोसी हैं तिवारी जी, मनमोहन तिवारी, उनको क्या है कि दुकान जो है महानगर पालिका वालों ने सील कर दी। तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? तुम कुछ कर तो नहीं सकती लेकिन करवा सकती हो, अपने हस्बैंड से बोलकर वो दुकान दोबारा से बहाल करा दो तो बेचारे का भला हो जाए। ठीक है, कह दूंगी। अच्छा सुनो, हमारे मोहल्ले के एक दारोगा हैं, दारोगा हापू सिंह जी, किसी ने उनको वो रिश्वतखोरी में फंसा दिया है, तो अगर उनका केस रफा दफा करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, करवा दूंगे। और हमारे मोहल्ले के दो लौंडे हैं टीका मल खान, बेरोजगार हैं बेचारे, तो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उनको चपरासी की नौकरी वोकरी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, वो भी कर दूंगे। और कुछ? फिलहाल तो बस इतना। मैं तुम्हारे ये सारे काम करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना। तुम्हें अपने ये प्यारे प्यारे हाथों से मुझे गोलगप्पे खिलाने होंगे। कौन सी बड़ी बात, ये कोई काम है? ये लो, मुँह खोलो। ये विभूति का बच्चा अभी तक सुधरा नहीं, इसको मैं सुधार के रहूंगा। अरे हाँ, अरे मर गए। आखिर कब तक भभूति जी अपने घर में हमें काम वाली बाई बना कर रखेंगे? अरे इनके घर का काम करते करते तो हमारी बैंड बज गई यार। आए भैया, विभूति घर पे है का? अरे महाराज, अरे राजा, अरे ठहर जा, ये लो भैया, आराम से। काय भैया तिवारी, ससुर तुम भी अपनी जुगाड़ लगाने पे भिड़े भाई हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया विभूति की जी लगा कर सेवा करो सटर, भरपूर मेवा मिलेगी फिर। मेवा क्या घुइया मिल रही है यहाँ पर यार, इनके घर का काम करते करते हमारे हाथ में छाले पड़ गए हैं। विभूति भैया है कहाँ पर? भैया, विभूति भैया, अरे वो मंत्री जी से मिलने गए हैं यार। अच्छा? हाँ जी। नहीं तो? मंत्री जी से नहीं, मंत्री जी की बीवी से मिलने गए। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमको समझे नहीं। क्या समझाऊं तिवारी जी आपको, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। विभू का चक्कर चल रहा है मंत्री जी की बीवी से। अरे यार गोरी मैम, जी कैसी बातें कर रही हूँ आप? अरे यार जी, भैया विभूति ने कौन सा कांड कर दिया हुआ है? अच्छा बस कीजिए, आप लोग ऐसे ओवर रिएक्ट मत कीजिए। और देखिए, मेरा ना इस वक्त अभी किसी भी मामले में बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। जी जी भाभी, चलो भाई, अरे चलो भाई जी को अकेला छोड़ दो। चलो यार तुम सब चलो यार। चलो चलो, आप नहीं तो आओ। गोरी मैम टेक केयर। चलो ना दरोगा जी। आने तो विभू को, आज उसकी खैर नहीं। अनु बेबी व्हाट्स अप? अरे वाह, आ गया फ्रूट्स। कहाँ से आ रहे हो? अपना वो फ्रेंड है ना मंत्री, उसके पास से आ रहा हूँ। अच्छा, मंत्री जी से मिलके आ रहे हो या मंत्री जी की बीवी से मिलके आ रहे हो? मम्मी, इसे कैसे मानूं पड़ा यार? मैंने सारी खोजबीन कर ली है, मुझे पता लग गया है कि वो मंत्री जी की बीवी है जिसको तुम गोलगप्पे खिला रहे थे ना। गोलगप्पे वाले ने मुझे बताया कि वो अक्सर वहां आया करती है। ओके फाइन, अब मेरी पूरी बात सुनो। क्या बात सुनूं? गेट लॉस्ट? नो यू कांट डू दिस टू मी, मेरी पूरी बात तो सुनो। आई सेड गेट लॉस्ट। घिनौने और धोखेबाज आदमी के लिए मेरे घर में जगह ही नहीं है। मैंने ऐसा कौन सा घिनौना काम कर दिया यार? अच्छा, सरे बाजार में एक पराई औरत को अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाना एक शादीशुदा आदमी के लिए क्या है? घिनौनी हरकत ही तो है। गोलगप्पा खिलाना कोई घिनौना काम है क्या यार? हाँ, अच्छा तो
तो फिर कल तुम उसे घर से भगा के ले जाओगे और फिर मुझसे कहोगे कि भागना भी तो कोई घिनौनी हरकत नहीं है, बड़े बड़े भागते हैं। तुम ना मेरी पूरी बात सुन नहीं रही हो, अपनी बात करे जा रही हो। Give me a chance. Get lost. What? Read my lips. अच्छा क्या मैं अपना टूथब्रश ले जाऊं? जी नहीं, आप सिर्फ अपने आप को ले जाइए। हाँ ये तो कटे नहीं रहा है। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम। जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? का बताए अम्मा जी, कछु ठीक ना ही बा। लिट्टू के भैया का खोखा है ना, वो तो हमको लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, वो अब कभी ना ही खुलेगा। अरे बिटिया तो इमा परेशान होने वाली कौन बात है, तुमको कोनो बात का कमी है का? है गांव में जो जमीन जायदाद है हमरा, वो सब किसका है? तुम्हारा ही तो है ना? हाँ हाँ ये तो ठीक बा अम्मा जी। अरे हम तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि बैल जो है वो कच्चा बनियान का जलील धंधा करे, लेकिन वही जीत पे अटका रहा। तू जलील करेगा मुझे, तू जलील करेगा साले जलील आदमी। अरे चुप हो। ये कैसे सो रहे हैं अम्मा जी? कछु नहीं बिटिया, ये दूल्हा फंटर ही यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। अब बोलो। आइए लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। किसका फोन है बगली? अम्मा जी। यार ये अम्मा हमेशा फोन पर काय आ जाती है। और हम उनको बता दिए हैं कि आपका खोका हमेशा हमेशा के लिए बंद। तुम बिना दुनिया में अपने तरीके का अकेला पीस हो, समझी? अम्मा जी होल में है। होल्ड पे होता है पगली। सही पकड़े हैं। अम्मा। का रे बैल? हैं? तुम्हारा सांप बंद हो गया है तो गांव काहे नहीं आ जाते हो? अरे कैसे आ जाए अम्मा, इतना बड़ा घर बार छोड़कर कैसे गांव आ जाए बताइए। देखो सीधे से जो है टिकट कटाओ, बहुरिया को धरो और गांव आ जाओ, नहीं तो अगर हम हुआ आ गए ना तो हम तुम्हारा हाथ पांव तोड़ के बोरी में भर के तुमका घसीट के गाँव लेके आएंगे, समझे? अम्मा अम्मा हेलो अम्मा, मैं तेरी जान ले लूंगा साले। अरे जान तो हम तुम्हारा ले लेंगे, ई लो। अरे यार अगर हम गांव चले गए तो भाभी जी के बिना कैसे जिएंगे? बेटू के भैया असामान बांधना शुरू करेगा? भभूती जी, आप तो हमारे प्यारे पड़ोसी हैं, इतना बड़ा मंत्री आपका दोस्त है, आप चाहें तो दो मिनट में हमारा काम करवा सकते हैं, दो मिनट में। तिवारी जी, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। क्या मतलब, माफ कीजिएगा हम कुछ समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे। आप लोगों को लग रहा है कि वो मंत्री राम सेवक मेरा दोस्त है? अरे लग तो का है ही ससुर। नहीं, मंत्री राम सेवक मेरा दोस्त नहीं। भैया यार तुम काहे को यार मजाक कर रहे हो? मजाक को रखो साइड में। तुम मेरी बीवी के भैया नहीं हो जो तुमसे मजाक करो। अरे यार ठहर जाओ ना यार, ठहर जाओ, हम परेशान है यार। भैया विभूति, हमारी तुमसे यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हैगी, तुम जो मजाक छोड़ो, वो हमारा निवेदन है यार, हमारा काम करवा दो यार, जो केस रफा दफा करवा दो यार। विभूति जी देखिए, अभी तक आपने हम लोगों का सिर्फ नुकसान किया, कोनो भला नहीं किया, अब कम से कम कोई तो भला कर जाओ, हमारा कुछ तो भला कर जाओ प्रभु। भला गया घुइया के खेत में। मैंने कहा ना आपसे कि वो मंत्री राम सेवक मेरा दोस्त नहीं है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, हिस्ट्री, चलो अपना अपना काम करो। तुम जो बताओ, जब तुम्हारा वो दोस्त ही ना आएगा ससुर, तो फिर तुम्हारे घर का कुआ तो है बार बार? क्योंकि उसको शक है कि मेरा
चक्कर चल रहा है उसकी बीवी के साथ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा होगा और रोज मुझे धमकाने चला आता है। तो चाकू मतलब है तुमने सारे हमसे झूठ बोली है? हाँ झूठ बोली है। खाओ खाओ अब भाई खाओ, ससुर अपनी अम्मा की कसम खाओ। तेरी अम्मा की कसम, हमारी अम्मा की कसम, सबकी अम्मा की कसम। अच्छा तुम सारे हमें जो सब तुम्हारे तुम्हारे मुंह से उगलवाने, तू हमें गोरी मैम ने सब बता दी थी तुम्हारे बारे में पहले से। तुमने सारे हमारे पैसा खाए, हमारे पैसा 5,000 रुपया खा गए सारे तुम्हारे। हम तुमने हमसे पंगा लो है ना, तुम्हें महंगो पड़ेगो, सारे तुम्हारे गुर्दा फोड़ देंगे हम। अभी किसी मायके लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारा गुर्दा फोड़े। अच्छा। मैं फोड़ूंगा सारे। हराम खोर बोलता ही रहेगो, मार सारे के। मैं गुर्दे पीस दूंगा। अबे मारेगा। मार अभी सारे हमारे पैसा। अबे मार दो सारे। टैक्सी वाले भैया कहाँ चले गए? भाभी जी? हाँ। ये कहाँ जा रही हैं आप? हाँ गांव जा रहे हैं ना भरभूति जी, अम्मा जी के पास। अब यहाँ तो कोनो कमाई का जरिया रहा ना ही है, तो वहीं जाकर खेती बाड़ी करेंगे हम और लड्डू के भैया। भाभी जी आप ऐसे नहीं जा सकती। तो फिर कैसे जाएंगे? भाभी जी आप चले गए तो मेरा क्या होगा? कहा बोले मतलब आप चले गई तो वो पौधों का क्या होगा जिनको आप पानी देती हैं? वो तो आपके बगैर मर जाएंगे ना। हाँ आप तो यही है ना, तो रोजाना हमारे पौधों में पानी डाल दीजिएगा। भाभी जी मैं तो आपके पौधों में पानी डाल दूंगा, लेकिन इस पौधे में पानी कौन डालेगा भाभी जी? तो पौधा मर जाएगा ना। हाँ बोले। मैंने कहा भाभी जी आपकी आदत पड़ी हुई इन पौधों को, अगर पानी नहीं डालेंगे आप तो पौधे मर जाएंगे आपके बगैर। भाभी जी यू कांट डू दिस टू देम। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उनका ध्यान रखिएगा। अरे यार भाभी जी के बिना हम कैसे जिएंगे? अरे जी कहाँ जा रहे हैं आप? समझाइए भाभी जी को, कहाँ जा रही हैं ये, प्लीज समझाइए जरा। अरे हटाइए, आप तो बात ही मत कीजिए, समझे? आपने हमसे वादा किया था ना कि मंत्री जी से सिफारिश करके हमारी दुकान छुड़वा लेंगे, आपके चक्कर में हम दूसरी जगह जुगाड़ भी नहीं लड़ा पाए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। अब तिवारी जी इसमें तो गलती आपकी है ना, आपने विभू जैसे पर भरोसा ही क्यों किया? सही बात है भाभी जी, अब गलती हो गई सो हो गई, अब क्या करें? आई एम सॉरी विभूति, माफ कर दो यार। मुझे सुलोचना ने सब कुछ बता दिया। अब क्या बता दिया इसने आपको? यही कि तुम्हारा मुझसे रोज मिलना और फिर गोलगप्पे खिलाना ये सब एक नाटक था। कैसा नाटक? एक्चुअली रामू मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे थे। नहीं नहीं इनको मैं प्यार से रामू कहती हूँ। ये अपनी राजनीति में इतने उलझे रहते थे कि इनकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। फिर मैंने एक दिन मेरी चंट सहेली में इनको लाइन पे लाने का आइडिया पड़ा और विभू के साथ मिलके ये सारा नाटक किया। एक्चुअली विभू को भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये सारा क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, और आपकी वजह से मैं विभू को गलत समझ बैठी और मुझे लगा कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। I'm so sorry, Vibhu. I'm really sorry. I'm sorry, अनीता जी, मेरे वजह से ये सब हुआ। एक्चुअली विभू तो आपसे इतना डरता है कि वो कभी किसी से अफेयर ही नहीं कर सकता। That's very good, Vibhu.
भाई साहब, ये आप सामान लेकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अब यहाँ से जाने के अलावा रही क्या गया है, दुकान तो चली गई। अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी दुकान के सारे पेपर चेक कर लिए, आपकी दुकान बिल्कुल लीगल है। और शाम तक आपकी दुकान की बहाली भी करवा दूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 बस सर, थैंक यू। सुनो, शाम तक सर की दुकान के पेपर उन तक पहुंच जाना चाहिए। भाभी जी, जाना कैंसिल। अब प्रभुति जी, हमारे पौधों को अब कुछ ना ही होगा, हम ना ही जा रहे हैं। हाँ भाभी जी, आप नहीं जा रही हैं अब। मिस्टर विभूति, तो मेरे साथ जरा अंदर चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। मजाक कर रहा था।